क्वेश्चन है आसमा का, इन विच एज यू गेट मैरी। क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर एक्स, स्पीक इन तेलुगु फॉर ऑल योर तेलुगु सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट नेने निन्नु के आगे रुक जाओ एक मिनट। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर लास्ट Q&A, जो कि हमारा लास्ट टाइम पूरा नहीं हो पाया था बिकॉज वीडियो काफी लंबी हो गई थी। बट आज मैं तुम सबके क्वेश्चन के आंसर करूंगा एंड वीडियो पूरा एंड तक देखना, अगर थोड़ी सी बड़ी भी हो तो भी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, एंड इंस्टाग्राम पे अभी तक तुमने फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी फॉलो कर लो, बिकॉज उधर अभी हमारे 100K नहीं हुए हैं, तो जल्दी से फॉलो कर लो उधर। टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि के, फर्स्ट है द सब्जेक्ट दैट यू हेट द मोस्ट, नो डाउट मैथ्स, और सिंपल रीजन है बिकॉज मुझसे होती नहीं है। सेकेंड, वेन इज योर बर्थडे, और ये भी बताया तुम सब लोगों को, 13th of November मतलब मेरा बर्थडे आने वाला है। डू यू चीट इन योर ऑनलाइन एग्जाम, सीरियसली ये क्वेश्चन भी कोई पूछने का क्वेश्चन है? मुझे कोई एक ऐसे बंदे से मिला दो जिसने अपने ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग ना की हो। हाउ ओल्ड इज चेरी, ये मैं लास्ट Q&A में बता चुका हूँ तो तुम उसको देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिफ्थ, ड्राई मैगी या वेट मैगी? तो देखो अगर तुम बना के खिलाओगे तो कुछ भी चलेगा, खुद बनाऊंगा तो वेट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आसमा का, इन विच एज यू गेट मैरी, एज विल यू गेट मैरी। आसमा का ही क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर एक्स। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ओके सिमरन का क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू चेंज अबाउट योरसेल्फ इफ यू कुड। आई थिंक आई वोंट चेंज एनीथिंग अबाउट माईसेल्फ, बिकॉज ऐसा कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे अपने अंदर कुछ चेंज करना चाहिए। और थोड़े बहुत चेंज सब में होते रहते हैं टाइम के साथ, वो तुम्हें पता भी नहीं चलता, बट आई थिंक कोई मेजर चेंज ऐसा नहीं है जो मैं अपने अंदर करना चाहूँगा। एक और क्वेश्चन है सिमरन का, हैव यू एवर लाफ्ड एट द रॉन्ग मोमेंट। बहुत बार, बहुत ज्यादा बार, मुझे याद भी नहीं मैं कितनी बार ऐसी गलत जगह पर हंसा हूँ। मुझे हंसी भी बहुत जल्दी आती है, तुमने देखा ही होगा मेरी वीडियोस में, मैं छोटी छोटी बातों पर हंसता हूँ। तुम्हें जब कोई बोलेगा ना कि अब हंसना नहीं है, तब तुम्हें बहुत ज्यादा हंसी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ममिता का, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड दीक्षांत। दीक्षांत मेरा कजन है। तनाया का, एवरी टाइम यू से दैट यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड बट अकॉर्डिंग टू योर वीडियोस कंटेंट वी कांट बिलीव इट, सो प्लीज टेल ट्रूथ टू योर यूट्यूब फैमिली। काफ़ी लोग मुझे इस चीज़ पर जज करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है, मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ, बट देखो सिंपल सी बात है, मैंने ये पहले भी बताया था, मैं सिर्फ तुमको एंटरटेन करने के लिए बनाता हूँ, प्योर सिंगल हूँ, प्योर शुद्ध बोलते हैं ना जिसको वैसा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो प्रियांशी के हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो मैं सबके आंसर करूँगा। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। तो अर्जित का मतलब होता है कमाना, अर्जित करना, और मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर अर्जित किए हैं, मैंने तुम सबका प्यार अर्जित किया है। आप कभी आगरा आए हो? नहीं, मैं कभी आगरा नहीं आया हूँ, और अगर नहीं आए हो तो आ जाओ, मुलाकात हो जाएगी, तो मैं कभी आया तो ज़रूर बताऊँगा। टैलेंट जो आपने हमें ना बताया हो, अभी काफ़ी सारे टैलेंट हैं मुझ में जो मुझे खुद नहीं पता, तो जैसे जैसे बाहर आएंगे मैं तुम्हें बताता रहूँगा। फोर्थ, योर फेवरेट कमेंट। तुम सबके कमेंट मेरे फेवरेट होते हैं बिकॉज तुम बहुत अच्छे कमेंट करते हो, मैं सारे पढ़ता हूँ, तुम सबके कमेंट बहुत प्यारे होते हैं, एंड थैंक यू सो मच उसके लिए। योर फेवरेट यूट्यूबर, तो एक लड़का है यूट्यूब पे अर्जित चौधरी के नाम से, वो मेरा फेवरेट है। सिक्स्थ, योर फेवरेट वीडियो ऑन योर चैनल। मेरी सारी वीडियोस मेरी फेवरेट है। आज मैं अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ। डिड यू हैव अ क्रश ऑन अ यूट्यूबर? हाँ, एक लड़का है अजीत चौधरी नाम का। आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं है, मैं किसी पे क्रश नहीं है। एट्थ, BTS और ब्लैक पिंक। तो देखो मैं ब्लैक पिंक के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, बताओ BTS। ओके नेक्स्ट है 9th, एनी हेट कमेंट। वैसे तो नहीं होगा फिर भी बता दो। देखो हेट कमेंट तो सब पे होते हैं, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ नफरत भी होगी, सो बट तुम्हारे इतने सारे कमेंट, इतने प्यारे कमेंट होते हैं, तो एक दो हेट कमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
टेंथ जेरी से पहले आपका कोई डॉग था? नहीं। प्लीज 10 में से 5 के आंसर दे दो प्लीज। मैंने सारों के आंसर दे दिए। आई विश मैं अपने एग्जाम में भी ऐसे ही आंसर कर पाता। नेक्स्ट है रिट स्कोर का, क्विक रैपिड फायर है ये। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब, बिकॉज नेटफ्लिक्स में इतना कुछ नहीं होता, यूट्यूब पर तुम कुछ भी देख सकते हो। फोन कॉल और टेक्स्ट? टेक्स्ट, जब तक मैं उसको बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ। बिग पार्टी और स्मॉल गैदरिंग? स्मॉल गैदरिंग, बिकॉज स्मॉल गैदरिंग में तुम ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो लोगों से। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? ऑब्वियसली न्यू फोन। वॉट वर्ड्स? लॉन्ड्री और डिशेज? आई डोंट नो, मैंने कुछ करा ही नहीं इनमें से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन पार्टनर? इंटेलिजेंट और फनी? फनी होना चाहिए, इंटेलिजेंट तो मैं ही काफ़ी हूँ। मनी और फ्री टाइम? ऑब्वियसली मनी, फ्री टाइम तो मेरे पास अब भी बहुत है। अब फ्री टाइम का करेंगे क्या जब मनी नहीं होगी तो। नेक्स्ट है मन्नत का क्वेश्चन, प्लीज टेल मी अबाउट योर गर्लफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड। इसे छोड़ देते हैं बिकॉज इधर कुछ बताने लायक है नहीं। क्वेश्चन है मन्नत का, आई हैव सम ऑप्शंस, सो व्हाट वुड यू लाइक टू प्रेफर और चूज, टी और कॉफी? डिपेंड करता है, सुबह सुबह टी, बाकी टाइम कॉफी। सेकंड, समर और विंटर? विंटर। स्कूल और कॉलेज? स्कूल, कॉलेज में इतना मजा नहीं है जितना स्कूल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओविया का, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तुम्हारे नाम को, ओविया ही आई गेस। फर्स्ट है हाउ मेनी प्रपोजल्स हैव यू गॉट? सेकंड, आर यू मॉम्स और डैड्स सन? दोनों का हूँ। जेरी बोल रहा मैं भी हूँ दोनों का, है ना, मेरे साथ ही बैठा इधर। ओके नेक्स्ट है शुगर बू का क्वेश्चन, फर्स्ट है हैव यू सीन माई नेम इन द कमेंट सेक्शन, इफ यू हैव प्लीज से हाई शुगर बू। हाँ मैंने देखा पहले भी, मुझे सबका याद है जो डेली कमेंट करते हैं ना, मैं उन सबको जानता हूँ। हाँ शुगर बू को मैंने देखा है, हाई शुगर बू। सेकेंड, वॉट मेक्स यू एंग्री? ये मैं अपने लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ। थर्ड है आर यू इन लव विद द यूजुअल म्यूजिक यू आर यूजिंग? ओ यार इस चीज़ का आंसर मुझे करना था। तुम लोग सोचते होंगे मैं एक ही म्यूजिक क्यों यूज़ करता हूँ अपनी शॉर्ट्स में, तो देखो उसका एक रीज़न है, बिकॉज अगर मैं ऐसे नॉर्मल, अगर मैं वैसे सॉन्ग्स यूज़ करूँगा बॉलीवुड वाला तो कॉपीराइट आ जाएगा, इवन मैं भी बोर हो गया उस सॉन्ग को सुन के। सो ढूंढता हूँ मैं कुछ नया जिसको कॉपीराइट ना हो और कुछ अच्छा। I collect all the videos you are uploading and now I have 389, so please say hi Sugar Boo one sec. Hi Sugar Boo, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ वैसे तो। सीरियसली मेरी सारी वीडियोज कलेक्ट की हुई हैं। अद्रिजा दे का क्वेश्चन है, द एक्सपीरियंस ऑफ हाउ यू फील वेन समवन मेक्स अ हेट कमेंट ऑन योर वीडियो एंड हाउ डू यू मैनेज देम? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इग्नोर ही करता हूँ मैक्सिमम। हेट कमेंट दो ही टाइप के होते हैं, एक तो कोई तुमसे बिन बात के छेड़ता है विदाउट एनी रीज़न तो वो हेट कमेंट करता है, या सेकंड जब उसको तुम्हारा कंटेंट नहीं अच्छा लगे। तो देखो फर्स्ट वाले का कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज मैंने कई बार देखा मैं वीडियो डालता हूँ और एकदम से डिसलाइक आ जाता है उस पर और वो वीडियो देखी भी नहीं होती, तो उसका कोई रीज़न ही नहीं है। मतलब तुमने वीडियो अभी तक देखी नहीं और डिसलाइक मार दिया, मतलब सिंपल है कि तुम मुझसे छेड़ते हो बिन बात के मुझे हेट कर रहे हो, तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट सेकंड, अगर कोई मेरे कंटेंट की वजह से मुझे कुछ हेट कमेंट करता है तो मैं देखता हूँ कि मैं उसको कुछ सही कर सकता हूँ उसमें, तो ऑब्वियसली मैं उस पर काम करता हूँ बस। और बाकी तो इग्नोर करो जो तुम्हें सही ना लगे, मेरे पास इतने अच्छे कमेंट आते हैं बाकी सारे, तो मैं उसमें खुश हूँ। मन की आशा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 स्पीक इन तेलुगु फॉर ऑल योर तेलुगु सब्सक्राइबर्स, एटलीस्ट वन सिंगल लाइन इन तेलुगु। ओके तो मैंने गूगल किया था, अब मैं बोलता हूँ। नेने निन्नु प्रेमिन्नु, नेने निन्नु, एक मिनट रुको, मुझे फिर से देखना पड़ेगा। नेने निन्नु के आगे रुक जाओ एक मिनट, भूल गया मैं, प्रेमिन तन्नानु कुछ ऐसा था। नेने निन्नु प्रेमिस्तन्नानु, समझ गए, तो ये तुम सबके लिए था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कंगना का, फर्स्ट हैव यू एवर चेंज योर मार्क्स फ्रॉम रेड पेन इन द मार्कशीट? आई हैव डिड इट।
ये मैं नहीं बोल रहा है, उसने बोला I have did it. तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया, बट मैंने एक बार टेस्ट में मेरे बहुत कम नंबर आए थे और उसमें बोला था अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा के लाना है, तो मैंने वो खुद से कर दिए थे। आई होप ये वीडियो मेरे पापा ना देखें। वॉट वॉज योर 10th परसेंटेज? ये क्या रिश्तेदारों वाला सवाल कर दिया। थर्ड, आर यू कॉमर्स स्टूडेंट? नहीं, मैंने साइंस ली थी, पहले से मैं लगता नहीं हूँ साइंस स्टूडेंट। फोर्थ, व्हाट्स योर आई कलर? ब्लैक ही है। फिफ्थ, वही है सेम, टी और कॉफी। मैं बता चुका हूँ टी मॉर्निंग में, बाकी टाइम कॉफी, वो भी कोल्ड कॉफी। सिक्स्थ, हैव यू एवर मेड अ फेक अकाउंट? इफ यस देन व्हाई? देखो मैंने कभी खुद से नहीं बनाया, बट मैंने एक बार अपने दोस्त का फेक अकाउंट यूज किया था, वो भी बस ऐसे ही बोर हो रहा था। एंड सेवन्थ, पिज्जा और बर्गर? पिज्जा। विच इज योर फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग? काफी सारे हैं, ऐसा कोई एक नहीं है जो फेवरेट हो। जैसे मुझे कॉन्फिडेंट अच्छा लगता है, और लूजिंग इंटरेस्ट, और एनिमल्स, ये मुझे अच्छे लगते हैं। ओके, अनुराधा कुछ अलग ही लिखा है। मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे, और वो है क्या आप मेरे से जान पहचान कर सकते हैं? आपसे सबको प्यार है, मेरा भी है, पर मुझे आपसे ये वाला प्यार नहीं हुआ है, आपसे हस्बैंड वाला प्यार हो गया है। आपके आंसर के इंतजार में हूँ। आई लव यू। ये हस्बैंड वाला प्यार किस टाइप का होता है मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या दूं मैं। तो अनुराधा, आई गेस तुमको ये प्यार नहीं करना चाहिए, हस्बैंड वाला, जैसे सब करते हैं वैसा वाला करो। तो थैंक यू। पिनेस ट्यूब का क्वेश्चन है, सपोज यू गेट अ चांस टू बी फीचर इन टोनी कक्कर सॉन्ग, व्हाट इज योर रिएक्शन गोइंग टू बी? कर लूंगा मैं, सही है, पैसा तो मिलेगा ना मुझे, और सिंपल भी है, एक ही लाइन बोलनी पड़ेगी बार बार। बारबी गर्ल क्वेश्चन है, अगर आपको मौका दिया जाए कि आप बांग्लादेश की लड़की से शादी करोगे तो क्या आप करोगे? ऐसे मौके कौन देता है? देखो मुझे किसी भी लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बांग्लादेश की हो, पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, डिपेंड करता है लड़की कैसी है। सो गाइस, इस Q&A में बस इतना ही, बिकॉज आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, और टेंशन मत लो, हम Q&A अब करते रहेंगे, तो नेक्स्ट Q&A भी जल्दी करेंगे। तो आई होप तुमको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय।